Hey viewers, this is Kanchi Butol and you're watching Life in Uttarakhand. What's it? ये खोखो को करना जरूरी होता है। Hi guys, क्या आप क्या बनाने वाले हो इस बर्फ से? एक्सक्लूसिव आइसक्रीम। ये आइस कहाँ से लेकर आए तुम सारी? ये पे कटोर खाते हैं ना सा? ये वाव तू तक सुना तो था? क्या डगी? वेलकम टू टुडेज व्लॉग एंड आज हम आपको लेके जा रहे हैं वन ऑफ द हाईएस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड जो कि देवी का मंदिर है एंड उसका नाम है बदानगढ़ी. सो आज हम ट्रैकिंग करने वाले हैं ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना किलोमीटर बट हम ट्रैकिंग करने वाले हैं. सो लेट मी टेक यू टू द बदानगढ़ी. घर वालों ने क्या बोला ट्रैकिंग के नाम पे? आई रियली वांट टू नो कि किसने ये थ्योरी बनाई कि लड़कियां तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम लेती है बिकॉज वी हैव पवन इन द हाउस. लेट लतीफ कितने घंटे लगते थे तैयार होने में? अरे मैं सोया था पता आपको? मैं सोया था. ये हमारे ट्रैकिंग गाइड हैं. ये हमको आज ट्रैकिंग पे लेके जाने वाले हैं और खुद 2 घंटा लेट है. आप कुछ कहना चाहेंगे पवन जी? इन्होंने क्या सबसे ज्यादा लेट 5 मिनट होना था अभी आधे घंटे बाद आ रहे हैं. ये हाल है क्या बोल सकते हैं. मारू पवन तेरे एक हो जाए एक एक हो जाए पवन. मुझे पता है मेरा फोन आगे कर देगा सीधा है. फोटो खींचो. वीडियो बना रही है मैं. फोटो खींच. ये देख सकते हैं आप हम यहाँ बदानगढ़ी जा रहे थे. ये कंचन वो हमारी यही आधे रास्ते में बैठ गई है और ये दूसरी महान विभूति. ये तो शुरू होने से पहले खत्म. और हमको वापस बुलाया गया है यहाँ से. आप देख सकते हैं भाई मैं नीचे कैसे उतरूंगी. मैं अब मेरी मेरे को उस चीज की टेंशन है. ये देख सकते हैं आप ये जा रहे थे बदानगढ़ी. तो क्या करें क्या करें रास्ता देख रहे हो कैसा है गाइस. देख सकते हैं आप बर्फ पड़नी शुरू हुई है हल्का हल्का. मेरे पजामा गीला हो गया सारा. तू रे कब बैठने के लिए बैठे थे इसमें. ऐसे खींच बाबा दिख भी नहीं रहा इसमें बर्फ. अपने कैमरे से खींच ना. कैमरे का चार्ज खत्म हो गया यार. ऊपर लाते हैं. अरे इसका बैटरी भी आराम से. आ गया फ्री. आ गया और आ गया और आ गया. चलो गाइस हो चुका है. ये नहीं दिख रहा ना ये बहुत कम है. वीडियो में भी नहीं आ रहा. हल्का हल्का देखो गाइस हल्की सी बर्फबारी होती हुई. और हम बर्फबारी का मजा लेते हुए. कितना मजा आ रहा है यार बर्फ. आवाज बेटा कैसे गिरा दे. और मुझे
कांची बुटोला वंस अगेन एंड यू आर वाचिंग स्नोफॉल। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है एंड एक्चुअली में हम कहीं और जाना चाह रहे थे बट हम वहाँ पहुँच नहीं पाए बिकॉज रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नो हो रखा है और हमें वार्निंग मिली है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। तो हम यहीं पर अपना फोटो सेशन कर रहे हैं। ये ना ये देखो, लड़कियों से ज़्यादा टाइम तो इनको चाहिए होता है। भाई गॉड, हमारे टाइम पे ना इनकी बैटरी खत्म हो गई थी, अब खचा के फोटो खींचने में लगे हुए हैं। हम खा ही नहीं रहे, अपनी वीडियो चल रही है, पागल है। गाइस फरुख को देखो, फरुख की गोरी आ रही है। गाइस इसने कौन सा फिल्टर लगा रखा है, पैर क्यों लगा। यूट्यूब में डाल देना। ले यू गाइस, तो आप क्या होता है हुई।